किसानों सरकार के बीच कैसे बिगड़ी बात, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का कैसा खुलासा, किसान सरकार के बीच क्यों बने जंग जैसे हालात, सरकार और किसानों के बीच जंग जैसे हालात क्यों बने हैं, किसान आंदोलन के रौद्र रूप को देखते हुए ये सवाल उठना लाजमी है। सवाल इसलिए कि किसानों और सरकार के बीच सहमति बने, इसके लिए दोनों के बीच बातचीत हुई थी। किसान सरकार के बीच सोमवार की बैठक में कोई सार्थक हल निकल जाता तो आज जो हालात बने हैं उससे निजात पाया जा सकता था, लेकिन अब जब हालात काबू से बाहर हैं तब केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सामने आए और ये खुलासा किया कि आखिर क्या बात रही कि सोमवार को ही बैठक में सरकार और किसानों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। केंद्रीय मंत्री मुंडा ने अपने बयान में एक बात तो जरूर कही है कि बातचीत का रास्ता अभी भी खुला है, तो फिर उसी वक्त इस मामले को हल क्यों नहीं किया गया जब किसान नेता और सरकारी मुलाजिम के बीच बैठक हुई थी। चलिए सुनते हैं अर्जुन मुंडा ने क्या क्या खुलासे किए हैं। हमेशा बातचीत के लिए तैयार है, हमेशा डिस्कशन करने के लिए तैयार है, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए जो भी हो सकता है वो सारा कार्य करने के लिए हम तैयार है, बशर्ते कि उसके लिए जो, क्योंकि आप सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर पूरे देश के किसानों के लिए भारत सरकार प्रोत्साहित करती है, कार्य करती है, आगे बढ़ाती है, ये बात सही है, लेकिन विषय राज्य सरकारों का भी है जहां हमें कंसल्टेशंस की जरूरत पड़ेगी, तो स्वाभाविक रूप से एक रास्ता तो अपनाना पड़ेगा, एक मेथड तो अपनाना पड़ेगा। जो भी विषय होती है उन सारे विषयों के लिए किस तरीके से, कैसे, क्या, ये विषय को समझने का तो समय चाहिए। देखिए, मैं इस समय ये कहूंगा कि बहुत सारे ऐसे लोग जो सरकार को जानकारी मिल रही है, बहुत सारे ऐसे लोग जो इसमें कोशिश करेंगे कि इस तरह का स्थिति बने जिससे एक वातावरण प्रदूषित हो, और मैं तो ऐसे किसान भाइयों से भी कहूंगा कि इन सारे चीजों से वो बचे, क्योंकि भारत सरकार प्रतिबद्ध है किसानों के हितों को लेकर। सर, आपने बोला स्टेट के साथ कोई कमेटी बनाने बात करना पड़ेगा, कमेटी बनानी पड़ेगी। नहीं, देखिए ऐसा है कि कुछ बातों पर सहमति बनी और अधिकांश बातों पर सहमति बनी, कुछ बातों पर हम अभी भी ओपन हैं बातचीत करने के लिए, और उसके कई विकल्प वो भी दे सकता है, मैं भी दे सकता हूँ, उसमें हम एक विकल्प पर आ करके उसका समाधान ढूंढ सकते हैं, विकल्प इन द सेंस कि सॉल्यूशन के लिए रास्ते कैसे होंगे। सर, एक अंतिम सवाल, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट की सिफारिश की, उसकी मांग की गई है, पेंशन वाली जो पुराने किसान, जो किसानों पर जो FIR है उसको वापस लेने की मांग, कई सारी मांगे, इन सब पर आप लोग विचार करके क्या कुछ जल्दी पेश करें, क्योंकि देखिए सरकार ऐसे कई मामलों का सहमति बन चुकी थी और उस पर बात आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन कुछ विषय को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे लोग भी उसमें हो सकते हैं जो इसका समाधान के बजाय समस्या के रूप में देखना चाहते हो, पर मैं किसानों से यही निवेदन करूंगा कि वैसे लोगों के जो पूरे वातावरण को प्रतिकूल बनाना चाहते हैं उससे सावधान रहें। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ये दावा तो कर रहे हैं कि वो हर तरह से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन जब सरकार को किसानों को लेकर इतनी परवाह है तो फिर सोमवार की बैठक में ही हल क्यों नहीं निकाल लिया गया, अगर ऐसा हो गया होता तो आज ये हालात नहीं होते। इस सवाल का सरकार के पास क्या जवाब है। इस खबर में बस इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।